लाइन चेक करें, इनको किसी और लेन में आने की इजाज़त नहीं है. दिस इज कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन. रानी भी आई हुई है डेजर्ट सफारी के लिए, वॉना बी फोर व्हीलर. व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग. समी आसिम खान इज बैक विद अनदर बोरिंग वीडियो, नहीं के साथ शायद, शायद नहीं पता नहीं. शॉर्ट एंड सिंपल, अभी हम आए हुए हैं रेगिस्तान एज यूजुअल. आप लोग भी थक गए होंगे मगर मेरे जूतों की हालत देखें. इन्हें कहते हैं पढ़े लिखे जाहिल लोग जो कि ऐसे जूते पहन कर आए डेजर्ट पे. बहरहाल आज का सीन ये है कि हमें करनी है शूटिंग, और किस तरह करनी है वो ये है कि कैमल राइडिंग करेंगे, ड्रोन शॉट्स होंगे, गिम्बल शॉट्स होंगे. मतलब बेसिकली इट इज़ अ प्रोमो, इट इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर समवन. आई हैव नो आइडिया कि हम लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मगर ये है कि द पर्सन वी टॉक टू फॉर द डेजर्ट बुकिंग, उसने कहा है कि वो पहुँचा है यहाँ पे 10 मिनट में. ये माहौल है यहाँ पर, एवरी वेयर देर आर SUVs, और एक जगह हमारे पास, वाह स्वीटी. SD कार्ड इस ब्लॉग के बाद मौजूद हुआ तो यू माइट बी एबल टू चेक दोज व्यूज. ऑब्वियसली सिनेमेटिक तो कहाँ होंगे यार, आखिर वो कैमल्स थे तो डर लग रहा था कि वो अंदर ना घुसाएं. टुडेज राइड फ्रॉम द प्लेस टू द डेजर्ट वाज द रेंज रोवर ओक. इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कार्स नाउ. पहले तो ऑब्वियसली नहीं थी, मगर ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आई एम जस्ट लविंग रेंज रोवर यार. द डिजिटल पैनल एंड एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग, आई जस्ट लव इट. आई स्वेयर मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है ना ये वाले जूते पहन लिए हैं एंड आई हैव नो आइडिया कि डेजर्ट में मतलब इतनी मोटी मोटी रहती होंगी, तो सारा सैंड जो है ना मेरे जूतों के अंदर चले गया है. इट इज़ Already inside my shoes, so yes, there is no point of yelling. बंदे पहुँच गए हैं और मेरे जूते अब अंदर जाना शुरू हो गए क्योंकि मिट्टी हो रही है मोटी. Shoulder head for your mobile camera. Really? Nice picture, different pose. That is amazing. Just look at it. The red one. Oh ho ho! We are in the destination. क्या bumpy ride थी, माशाल्लाह बिल्कुल जवान के बच्चों की तरह चला रहा था. मगर उससे हटके हमारे पास यहाँ पर घोड़े हैं मगर कैमल नहीं है. अभी हम हैं फिलहाल एक टेंट पे. मेरी आँखों को क्या हो गया, यहाँ पर तो कैमल्स भी हैं, यहाँ पर ऊंट भी है, और यहाँ पर कराची की दुनिया आ गए हमें. आइए बैठते हैं. क्या हाल है आपके सर? वो देखो वाला नहीं है. ये सब देख के जो है ना मुझे इतनी गंदी तरीके से कराची की दिन याद आ रहे हैं. मतलब लिफ्टन में बैठना, भगाना और वो रेस लगाना. ओहो, कह रहे हैं सब्सक्राइब प्लीज और इनेबल बेल नोटिफिकेशन. हाँ करेंगे, डोंट वरी, सब करेंगे. उड़ी बाबा, लिफ्टन के मजे. तकरीबन 3 से 4 साल फिर से आज़ाद हो गए. ये जिस कैंप में हम बैठे हुए हैं, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू मर्सिडीज G63 ब्राबस लिमिटेड एडिशन, ओनली 1 of 99 इन द एंटायर वर्ल्ड. यस एग्जैक्टली, माई बाग है शायद, मगर ये कि लिखा हुआ नहीं है कहीं. यहाँ लिखा होगा, लिखा हुआ है क्या? हमारी मर्सिडीज 2000 हॉर्स पावर, तभी तो इतना चल पड़ी. मर्सिडीज को उतारा जाए. मैं हैंड ब्रेक खींच रहा हूँ अपनी मर्सिडीज का, ऑटोमेटिक है, होल्डिंग टाइट क्योंकि It was at this moment he knew he f***ed up. Oh! एक बड़ा अच्छा मैंने निकाला है जुगाड़ गिम्बल शॉट्स लेने के लिए. वो ये है कि गिम्बल तो आ गया मगर क्योंकि मेरे पास सूटेबल जूते नहीं थे तो मैंने जूते रख दिए हैं बैग के अंदर, और जो मेरी पैंट है वो मैंने कर ली है 2 इंच ऊपर क्योंकि अब होंगी गिम्बल शॉर्ट्स. तो प्रॉबली आपने शायद मेरे छोटे छोटे हैं असल में मसला पता क्या है, जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है ना वो होगा बहुत दिनों बाद रिलीज. मगर फॉर द टाइम बींग फॉर माई व्लॉग आई हैव मेड सम सिनेमेटिक शॉर्ट्स टू शो यू गाइज. यू नो लाइक बाई द टाइम दिस व्लॉग गेट्स अपलोडेड आई डोंट नो कि मैंने गिम्बल शॉर्ट्स डाले हैं या नहीं, मगर Let's enjoy the rest of the night. मेरी मर्सिडीज का ऑयल लीक हो रहा है पहले दिन. मैं ये कह रहा हूँ कि प्लान में थोड़ा सा स्लाइट चेंज आया है. वो ये है कि बेसिकली हमने इतनी ज़्यादा कर ली थी ड्रोन शॉट्स के सनसेट हो गया है. ये ज़रा मैं दिखा दूँगी, देखें आप, ऑलमोस्ट सनसेट हो गया. तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव टाइम, हम लोग बहुत दूर हैं कैंप से, तो गिम्बल शॉट्स आर प्रोबेबली नॉट गोना टेक प्लेस, ड्रोन शॉट्स ही होंगे. और ये है कि लेट्स जस्ट
give out some time and enjoy the atmosphere because it's really amazing. And I'm nange pair hu, fortunately. Camel ka four wheel kaam nahi kar raha bhai. Camel nahi Mercedes, bezati mat karo yaar meri gaadi ki tum. Yahan par hum इजाज़त देते हैं अपनी मर्सिडीज को, हमारी सर्विस होगी इंशाल्लाह, और अब हम जा रहे हैं वापस क्योंकि आए थे लैंड क्रूज़र में, तो जाएंगे भी लैंड क्रूज़र में ड्रॉप ऑफ पॉइंट में, वहाँ से गाड़ी पकड़ के खल्लास। अच्छा, ये पूरी जगह जो है ना, दिस इज़ बेसिकली अ कंप्लीट पैकेज कि अगर आप चाहते हैं कि आपको खाना मिले, बफे मिले, द बारबेक्यू आइटम्स एंड द बेरी डांस, तो ये पूरा बना हुआ है और यहाँ पर है ड्यून बैशिंग के लिए एंड बेसिकली वहाँ पर है इनका बगी या स्टफ़ लाइक दैट, ये कैमल और ये हॉर्स। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अभी दूसरे दिन में, क्योंकि यहाँ पे ये दिन ख़त्म हो जाता है, मैं जा रहा हूँ बाहर, इसीलिए पॉसिबली नेक्स्ट ट्रांसलेशन, होपफुली स्टे ट्यून्ड। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज मी एंड माय ब्यूटीफुल ब्रदर समी आसिम। ब्रो ब्रो ब्रो, लिसन लिसन, बिफोर टॉकिंग टू मी, नो दैट यू विल हैव टू लोअर योर वॉइस, ओके, एंड बिफोर सेइंग माय नेम से मिस्टर समी, क्योंकि आज आपका भाई पहना हुआ है 240 धर्म की कैप। अभी जितने की आपकी टोपी, बनियान, अंडरवेयर, ये जूते बूते हैं ना, इतने की मेरी अभी एक कैप है। वैसे वंस अगेन स्पेशल थैंक्स टू मर्सिडीज दुबई फॉर गिफ्टिंग मी दिस कैप। दिस इज बेसिकली वन टीम, ये कोई कोलैबोरेशन थी मर्सिडीज और किसी टीम की। अभी हम जा रहे हैं बेसिकली हस्कीज देखने के लिए, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू गाइज हैव नो आइडिया दैट हाउ मच आई एम इन लव विद हस्कीज एंड जर्मन शेफर्ड्स। मतलब इंशाल्लाह इन द कमिंग फ्यूचर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कोई ना कोई कुत्ता लूँ, मतलब तरीके का, क्योंकि इन कुत्तों के जितने खर्चे होते हैं, इन पपीज के जितने खर्चे होते हैं ना, तो मतलब दे आर सिंपली आउट ऑफ माई रीच। अभी तो फिलहाल मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए अभी हम देखते हैं कि क्या करना है। बेसिकली अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जोक, अभी हम लोग 40 मिनट्स वॉक कर रहे थे, मेरे घर से बहुत 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 दूर है वाली शॉप, मगर एट लास्ट वी आर इन द शॉप, तो अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या करना है, बिकॉज दे हैव टू हस्कीज। हे लुक एट दिस, हट लगा हट लगा, इट्स अच्छा है, ओए देरी दो, डर लग रहा है, ये तो कॉन्ग लग रहा है मुझे, कॉन्ग कॉन्ग का ब्लैक वर्जन आ गया। Nice, great, they have Kong black version, but where are the, oh, these are the most important dogs right now, and as you can see, these are two huskies, super cute. Oh, it's a kebab, just look at this poor dog, I feel bad for him. Isko dekho, sab chhodo tum isko dekho. Jani, wo bulldog dekh rahe ho, upar chadha tha bhi mere, kaatne ke liye, awaaz kasam khuda ki nikali, maine apne vlog mein dala hai. Sorry, dekho. I don't want to make this vlog sad, yeah, stuff, magar you know, like the way they are trying to escape is really heartbreaking, guys. Dog version of Sami Asim and Aman Asim Khan. Oh my god, I mean, guys, just look at this thing. This one, I just want to buy this cute doggy. Oh, jamare 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 jamare. Listen guys, let me tell you one thing. This husky is truly goals. I know कि दुबई में इनको maintain करना बहुत 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 मुश्किल बात होती है, दुबई में बहुत गर्मी होती है, मगर यार just look at this thing. अमान को बाप खुदा इसने एक दफा भी प्यार नहीं करने दिया। मुझे देखिए, हाँ, मुझे कितने ब्लॉग में आइए आप लोग। देखो मैं कर रहा हूँ प्यार, अभी कुछ नहीं, तुम करो अब। प्यार करना चाह रहे हैं, प्यार करना चाह रहे हैं। मेरी बर्थडे है 8 अप्रैल को, आई एम टर्निंग 18 दिस 8 अप्रैल। यार देखो मैं जो है ना थक गया हूँ, बिकॉज बेसिकली एवरी सिंगल पर्सन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि समी यू आर नो वे अंडर 18, तुम यहाँ तो 20 के लगते हो, 19 के लगते हो, मगर देखो देर इज नथिंग टू, मतलब हाइट ऑब्वियसली ये कुछ पाने की चीज नहीं है, एज मैं अंडर 18 हूँ, अभी मैं 18 कहूँगा 8 अप्रैल को। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच दिस ईयर, क्योंकि दुबई में जो है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरी उम्र के कोई दोस्त नहीं है, आई एम नॉट जोकिंग। जितने भी लोग हैं वो या तो मैरिड हैं, या फिर उनके बच्चे हैं, या फिर वो बिजनेस मैन हैं। अब जानते हैं राशिद चौधरी हो गए, मिस्टर अलीम हो गए, मोहसिन साहब हो गए टोयोटा से, खालिद हो गया राशिद, मतलब यू नो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, बट ऑल आर मैरिड, ऑल आर एल्डर देन मी, देर इज नो वन यंगर देन मी या फिर ऑफ माई एज, ये बहुत ही बुरी बात है। तो येस, नॉट एक्सपेक्टिंग मच दिस ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी बर्थडे काफ़ी अच्छी हुई थी मेरे दोस्तों के साथ, हर साल होती थी दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, मगर इस बार आई हैव नो कज़न हेयर। तो येस, प्लीज़ आप लोग मुझे विश कर लेंगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो मैं थोड़ा सहम जाऊंगा, मेरा दिल बहल जाएगा। मगर एक बात ये है कि काश मेरा पीओ बॉक्स खुला होता, क्योंकि बहुत से कंपनीज हैं पाकिस्तान में, या फिर यू नो लाइक क्लोथिंग कंपनी एंड स्टफ, जो चाह रहे थे कि ठीक है टू गेट इन टच विथ मी, मगर अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो पीओ बॉक्स। होपफुली अगर बन गया
तो मैं आपको उसी वक्त करूँगा अपडेट, तो वी कैन गेट इन टच। मेरे भाई भी कम थोड़ी है भाई, तुम जीत गए, मैं जीत गया भाई। Now it's time to say goodbye to Mr. Husky. Thank you so much for taking out time. Anyways guys, now that we are done with every single thing, अब time है vlog को wrap करने का, क्योंकि मैंने vlog बहुत लंबा कर लिया था। Basically day before yesterday I went to the desert for the camel shooting. Thank you so much for your support, for your motivation. मेरे I think 64,000 subscribers हो चुके हैं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर 64,000 सब्सक्राइबर्स गाइस। ऑल माय पाकिस्तानी सपोर्टर्स, ऑल माय इंडियन सपोर्टर्स, मेरे ब्लॉग में बहुत से इंडियन सपोर्टर्स भी हैं, एंड आई लव यू ऑल। आप लोग करते हो कमेंट, लव फ्रॉम इंडिया, तो यार इट मींस अ लॉट टू मी। पता मेरी सांस क्यों फूलती है चलने में, मैं चलता भी हूँ और बात भी करता हूँ। यकीन करो कुत्ते के जुएं इतने काटेंगे ना, मुझे लगा किसी को कुत्ता कर रहा है। नहीं भाई यार, अगर हाथ साफ कर लेना है तो। बहरहाल अब हम कहते हैं यहाँ पे आपको अल्लाह हाफिज, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली बार। फॉर द टाइम बीइंग @aman.asim.khan insta yeah।